नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वाराणसी शहर के रात के नज़ारे, और इस समय शाम के 7 बज रहे हैं और इस समय मैं हूँ लहर तारा चौकाघाट फ्लाईओवर पर, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे। और इसी फ्लाईओवर के ठीक सामने आप देख रहे होंगे जो कि वाराणसी जंक्शन भी है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। और आप देख रहे होंगे जो कि पीछे बहुत ही खूबसूरत आपको नज़ारा देखने को मिल रहा होगा। आप देख रहे होंगे बादल भी काफ़ी लालिमा आप देख रहे होंगे, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों इस समय मैं लहरतारा से चौकाघाट पुल पर चढ़ रहा हूँ। जैसा कि यह जो पुल देख रहे हैं, यह है लहरतारा चौकाघाट पुल। तो आगे से भी आपको वाराणसी जंक्शन का भी आपको नज़ारा दिखाऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों इस समय मैं हूँ लहरतारा चौकाघाट फ्लाईओवर पर, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे। और ये सामने आप जो देख रहे हैं, यह है वाराणसी रेलवे स्टेशन। आप देख रहे होंगे जो कि बादल बहुत ही खूबसूरत आप देख रहे होंगे, लालिमा छाया हुआ है बादल पर, यानी पूरा बादल आप देख रहे होंगे जो कि पूरा लाल है देखने में, जो कि बहुत ही खूबसूरत इस रेलवे स्टेशन को यह बादल और भी खूबसूरत बना दे रहा है, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी रेलवे स्टेशन के ठीक सामने आधा दर्जन से अधिक होटल भी हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, यह है सिटी इन होटल। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे, लहरतारा चौकाघाट फ्लाईओवर से शिवपुर बाईपास तक के नज़ारे, और यह पूरा नज़ारा जो कि वाराणसी शहर का रात का नज़ारा है। दोस्तों अब हम लोग देख रहे हैं कि जो कि चौकाघाट पर आ चुके हैं, और चौकाघाट से हम लोग दाहिने साइड में जाएंगे, जो कि अंधरा पुल होते हुए नदेश्वर होते हुए जो कि शिवपुर बाईपास के लिए जाएंगे, और आगे ही चौराहा है चौकाघाट का, और हम लोग को जाने के लिए दाहिने साइड में मुड़ेंगे। और इस समय हाली के कुछ घंटे पहले बारिश भी हुआ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो कि रोड पर कुछ आप देख रहे होंगे जो कि पानी भी गिरा हुआ है, और जगह जगह गड्ढों में भी पानी भरा हुआ है।
तो दोस्तों जो सामने जो चौराहा देख रहे हैं सीधा रास्ता वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के लिए चला जाएगा, वहीं बाएं साइड वाला रोड जो कि आगे जाके ही दो रास्ते कटे हुए हैं जो एक सीधे लहुरावीर के लिए चला जाएगा और दूसरा जो रोड है मलदहिया के लिए चला जाएगा, और यह सीधा रास्ता जो कि नदेसर होते हुए शिवपुर बाईपास के लिए चला जाएगा। और ये जो सामने जो आप देख रहे हैं ये इसे अंधरा पुल बोला जाता है और बारिश के समय में बहुत ही ख़राब स्थिति इसका रहता है, जो कि हमेशा इस समय में जहाँ स्थित हूँ हमेशा यहाँ पर पानी डूबा रहता है। और दोस्तों यहाँ पर ये देखिए ये नदेसर मार्केट है, यहाँ पर कार की एसेसरीज आपको मिल जाएंगी और जो कि कार बनाने में जो टूल का यूज होता है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देख रहे होंगे जो कि बादल देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, हल्का लालिमा छाया हुआ है। तो आप दाहिने साइड में देख रहे होंगे जो कि लस्सी की दुकान है, यह नदेसर में बहुत ही फेमस यह लस्सी का दुकान माना जाता है। और आगे ही कुछ मीटर की दूरी पर यहाँ पर नंबर प्लेट की भी दुकानें यहाँ पर आधा दर्जन से अधिक हैं जो कि यहाँ पर नंबर प्लेट लगाए जाते हैं। और गाड़ियों पे जो अलग अलग प्रकार के स्टिकर भी हैं होते हैं उन्हें भी यहाँ पर लगाया जाता है। और मैंने भी जो अपने बाइक में जो मैंने स्टिकर अपने चैनल का लगाया था वह इसी मार्केट से ही लगवाया था। तो दोस्तों यह है नदेसर मार्केट और आगे ही है राजा बाज़ार जो कि नदेसर का ही मार्केट है। तो दोस्तों यह जो मार्केट है यह है राजा बाज़ार मार्केट से बोला जाता है और आगे ही कुछ मीटर की दूरी पर है जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे जो कि आपको टीवी टावर दिख रहा होगा वाराणसी दूरदर्शन का। जो आप पेट्रोल पंप देख रहे हैं पेट्रोल पंप से ही सटा हुआ वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध जो कि टकसाल सिनेमा भी था जो कि अब बंद हो गया है लेकिन उस जमाने में बहुत ही फेमस था। और दाहिने साइड में आप जो ये देख रहे हैं जो पेड़ लगा हुआ है यह है ताज होटल का। और दोस्तों आगे ही एक त्रुमहानी है जो कि वाराणसी कैंटोनमेंट के लिए चला जाता है बाई साइड वाला रोड, और वही आगे एक त्रिमानी और भी है जो कि वो भी चला जाता है वाराणसी कैंटोनमेंट के लिए। आप देख रहे होंगे टीवी टावर जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, हालांकि रात में इस टीवी टावर पर भी रंग बिरंगे लाइटें जलती हैं लेकिन इसमें तकनीकी प्रॉब्लम या फिर किसी कारणवश से नहीं जल पा रही होगी, अगर जलता तो देखने में और भी खूबसूरत लगता। दोस्तों आप सामने चौराहा देख रहे होंगे जो कि दाहिने साइड वाला रोड नदेसर के लिए ही चला जाता है और वही बाएं साइड वाला रोड कैंटोनमेंट के लिए भी और जेएसपी मॉल के लिए भी चला जाता है। और इस समय मैं आ गया हूँ यह है
वरुणा पुल और सीधे रास्ता कचहरी के लिए चला जाता है। और हम लोग को जाना है शिवपुर बाईपास, उसके लिए हम लोग को पुल से उतरने के बाद बाएं साइड से सीधे चले जाएंगे शिवपुर बाईपास के लिए। तो दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं यह है वरुणा पुल। यह पुल जो कि इसी के दाहिने साइड में एक पुल बना हुआ है, यह पुल जो कि वन वे पुल है एक साइड से जाने के लिए और दूसरे साइड से आने के लिए। और इसी से पुल से उतरते हुए ही दाहिने साइड में काफ़ी प्रतिष्ठित एक दुकान है जिसका नाम है कपड़े का, वो दुकान है जिसका नाम है जालान। तो ये दाहिने साइड वाला जो रोड है ये DM ऑफिस के लिए चला जाता है। और सामने जो आप देख रहे हैं यह है सर्किट हाउस। तो दोस्तों सामने एक त्रिमुहानी है जो कि दाहिने साइड वाला रोड चौका घाट के लिए चला जाता है और वहीं बाएं साइड वाला रोड शिवपुर बाईपास के लिए चला जाएगा। और यह सीधे रास्ता आप देखेंगे तो ये सीधे रास्ता आपको लखनऊ के लिए चला जाएगा बाबतपुर होते हुए। दोस्तों आप जो बोर्ड देख रहे हैं लालपुर आवासीय योजना, यहाँ पर भी एक चौराहा रहता था लेकिन डिवाइडर लगाने की वजह से यह चौराहा को बंद कर दिया गया है, जिससे कि आगे से कुछ मीटर की दूरी पर आगे घूम के जाना होगा। और यह जो लालपुर आवासीय योजना है यह सीधा रास्ता सिंधौरा के लिए चला जाता है। और इसी वाले रोड पर कुछ ही मीटर की दूरी पर है उदय प्रताप डिग्री कॉलेज, जिसे UP कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। We'll be right back.
अब हम लोग आ चुके हैं शिवपुर। तो उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों इस समय देख रहे होंगे जो कि जो पोल की जो लाइटें हैं वह चालू हो गया है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है और सामने ही है शिवपुर बाईपास। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।